टू से ठीक है ये ऐसा है बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर ऑफ इट सो लेट मी थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गिवन सिस्टम देन वील बी ग्रोइंग अदरवाइज वील कीप ऑन एवरी गैदरिंग वील कीप ऑन टॉकिंग अबाउट वॉट इज रॉन्ग अबाउट इट एंड वी विल हैव लेस टाइम टू रियली डू दैट वील नीड मोर टाइम टू टॉक अबाउट इट सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दोज गिवन्स एंड दोज अचीव थिंग्स इन लाइफ एंड हाउ डू वी वॉन्ट टू ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है कि आरटी की वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है कि टीचर्स का एटीट्यूड में दिक्कत है ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है कि बच्चों का सोशल बैकग्राउंड या लर्निंग या कॉन्टेक्स्ट इतना रिच नहीं है बट हमारा इन्फ्लुएंस क्या है हमारा इन्फ्लुएंस है एज टीचर्स कैन वी हेल्प देम बिल्ड अप मोर रिच लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैन वी गिव देम दैट एक्सपोजर विच देयर फैमिलीज आर नॉट गिविंग एबल टू गिव देम क्या हम उनको वो अनुभव दे सकते हैं जो उनको घर परिवार से नहीं मिल रहे हैं क्या हम उनको वो परिपेक्ष दे सकते हैं जिसमें वो अपनी विजडम से अपने डिसीशंस ले सके क्या हम उनको वो अनुभव दे सकते हैं जिससे कि वो अपना फ्यूचर बेहतर निर्माण कर सके क्या हम उनके वो अनुभव दे सकते हैं जिससे कि वो खुद चयन करें कि उनको मेहनत करके करना है या चोरी करके करना है क्या हम उनको वो बातें ला सकते हैं उनकी सोच में दैट इज अवर इन्फ्लुएंस So we can keep talking about our concern and your concerns will expand. We can talk about your influence will expand. तो हम जिसकी बात करते हैं हम उसको बढ़ाते हैं आप नेगेटिव बात करो नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे लाइक अ मीडिया आप पॉजिटिव बात करो पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे सो वॉट इज इट दैट वी वॉन्ट टू डू एंड दैट इज अबाउट कमिंग टूगेदर एंड लर्निंग मोमेंट इज लाइफ एंड स्टॉपेज इज डेथ मीडिया भी चेंज हो रहा है सिस्टम थिंकिंग ओवर टू यू मीसा जैसे फॉर अचीविंग 100% लर्निंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स हाउ डू टीचर्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स स्कूल हेड्स कम्युनिटी एजुकेशन ऑफिसर्स बीओस डीओस वर्क टुवर्ड इट हरे इन सभी को जोड़ के आगे से चल सकते हो सो 100% रिजल्ट सिर्फ हेड टीचर का या टीचर का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए हाउ डू वी ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर हमारी कम्युनिटी का बच्चा है हम इसको कैसे उस प्रकार से तैयार करें ताकि ये बच्चा अच्छे से परफॉर्म कर सके So you involve the community, you involve the parents, talk to them. मैं चाहती हूँ आपका बच्चा इस प्रकार से सोचे पढ़े बड़े बड़ा हो. So these are the kind of questions. Would you come back to the previous slide, please? Yes. Yes, sir. The second point. Yes, sir. The second point. Rely on each other. So, could you explain this point? Rely means trust. Trust. भरोसा करना. एक दूसरे पे एक टीम की एबिलिटी पे हमेशा मैं यही सोचती रहूं कि यार मेरे स्टाफ में कोई कुछ नहीं करता है हो सकता है वो सही भी हो मैं ये नहीं कह रही हूँ गलत होगा वो हमेशा बट डू आई वॉन्ट टू ट्रस्ट कई बार ये होता है एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हमारा एज व्हेन वी आर इन हम इतना हायरार्किकल सेटिंग में है ना तो हम जब एक पोजिशन होते हैं तो हम सोचते हैं सबॉर्डिनेट्स कुछ नहीं करते जब सबॉर्डिनेट उस पोजिशन पे आएगा तो वो सोचेगा आगे वाले नीचे वाले कुछ नहीं करते सो प्रिंसिपल विल थिंक टीचर्स डोंट डू टीचर्स विल थिंक चिल्ड्रन डोंट डू दिस इज द काइंड ऑफ मेंटल थिंकिंग हमारी एक मेंटालिटी होती है जैसे घर में कुछ खो गया तो हम तुरंत काम वाली के ऊपर हमारी नजर चली जाती कि उसने चोरी कर ली कभी किसी काम से बिकॉज वी डोंट रिलाई ऑन वन सबॉर्डिनेट टू अस अब टीम में देयर इज नो सबॉर्डिनेट टीम में यू कैन नॉट ग्रो एज अ टीम अनलेस यू रिलाई ऑन ईच मीन्स आपको उनकी इंटेंशंस को डाउट नहीं कर सकते कॉम्पिटेंसी किसी में ज्यादा कम हो सकती है द मोमेंट वी स्टार्ट डाउटिंग द इंटेंशंस ऑफ मेंबर्स इन द टीम यू कैन नेवर कम टूगेदर एज अ टीम हो सकता है मुझ में कॉम्पिटेंस कम हो सर में ज्यादा हो या सर में कम हो मुझ में ज्यादा हो या एक में कम हो दूसरे में ज्यादा हो पर जब हम टीम में हैं आई कैन से दैट वी ऑल नीड टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ आवर कॉम्पिटेंस बट आई कैन नॉट से कि ये करना ही नहीं चाहते हैं ये मेरा स्टाफ कोऑपरेट ही नहीं करता हो सकता है शायद कुछ कॉम्पिटेंस में कमी रह रही हो जिसकी वजह से वो आपके साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पा रहा है आर यू रेडी टू ओपन योर सेल्फ टू हिम और हर एंड से मैडम आपको कहाँ दिक्कत आ रही है ये काम करने में प्लीज फील फ्री टू आस्क आई विल बी एबल टू हेल्प यू और आई विल ट्राई टू हेल्प यू बट आई थिंक यू कैन लीड दिस आई थिंक यू कैन डू दिस आर वी एबल टू टेल आवर स्टाफ दैट आई थिंक यू कैन डू दिस वो बात है दैट इज अबाउट रिलाइंग ऑन एवरी